कांग्रेस पार्टी में कुछ नए साथी शामिल होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इनको आपके सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। आज जो प्रदेश के हालात हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को मान लिया। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि अब प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हो रही हैं उसको मैं देखूंगा, तो इसका मतलब यही है कि सारा सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। वो नशे की चपेट में आए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। और मैं जो कह रहा था कि सरकारी तंत्र कितना फेल हो चुका है कि मुख्यमंत्री को किसी पे भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं जो चीज थानों में नष्ट की जाती थी, जो सामान पकड़ा जाता था, नशे का पकड़ा जाता था, उसको थाने में डीएसपी की देखरेख में नष्ट कर दिया करते थे। कल मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नष्ट किया, इससे ज्यादा सरकारी तंत्र का फेलियर नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी आईडी का ठीक करानी हो जब मेरे पे आओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, सारा तंत्र फेल हो चुका है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहने लग गए, और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, आज प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे प्रदेश के हर नागरिक आज दुखी है। जिसका मकान घर का अपना और प्रॉपर्टी आईडी में वो दूसरे के नाम चढ़ गया, अपना नाम पे ठीक कराने के लिए उसको पता नहीं कितनी चक्कर काटने पड़ते हैं, थक के पैसे दे के करवाना पड़ता है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का इन्होंने जिस कंपनी को दिया था, यासी कंपनी है जयपुर की, उसको अनुमानित लागत थी 18 करोड़ 11 लाख में। 2019 में उसको टेंडर दिया गया था और अनुमानित था कि 18 करोड़ 11 लाख रुपए में ये काम करेगी। और 20 में उन्होंने शुरू किया और 2022 तक लगभग 44 लाख, 42.5 करोड़ उसको दे चुके, डबल से ज्यादा उसको पैसे दे दिए। और प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मुख्यमंत्री बताएं कि ये जनता का पैसा है, आप जनता पर तो टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हो, हर चीज की कीमतें बढ़ा देते हो, वैट डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिए थे, कीमत बढ़ गई। पैसा क्या लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार पे जो टैक्स के रूप में पैसा जाए उसका सही इस्तेमाल हो, परंतु उसका इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि 18 करोड़ की लागत पे आप टेंडर छोड़ते हो, 44 करोड़ दे देते हो, फिर भी ठीक नहीं होता, और ठीक कराने के लिए फिर उनके पास जाना पड़ता है, और फिर वहां चक्कर लगाओ तो आम आदमी चला जाए तो कहने लगे आज हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा। अरे उनकी मोबाइल पे नंबर होते हैं, पैसे दो तो उसमें एक मिनट में ठीक हो जाता है। आज करप्शन का अड्डा बन चुकी है पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर परिषद। और कुरुक्षेत्र का तो भगवान ही रखवाला है, यहाँ तो एजेंट के अथारे को ही कहा था एमएलए ने कि दलालना के नाम बताऊंगा, 8 दिन में कहा था, 8 महीने हो गए उन दलालना के नाम तो पता नहीं लगे कहाँ गए वो। ये हालात आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके हैं।